गाइस, तो ये जो वीडियो है वो डिलीवरी के आई गेस आफ्टर 2 वीक्स का है। तो जो है मैं अभी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों के साथ, इतना ज़्यादा काम था और फिर हमें शिफ्ट भी करना था, बर्थडे आ रही थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अभी जाके जो है ये वीडियो मैं एडिट करके डाल रही हूँ। तो 2 वीक के बाद मेरा जो रूटीन है रिदा के साथ वो धीरे धीरे जो सेट हो रहा है वो मैंने डाला है। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्लीसफुल टाइम होता है। ख़ुद को मैं टाइम देती हूँ और रिदा के साथ यहाँ पे बैठना, और अभी जो है बारिश का मौसम भी चल रहा है तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पे आती है, और क्योंकि रिदा को भी ज़रूरी है थोड़ी सी सनलाइट, तो उसके लिए ज़्यादा आती नहीं है सनलाइट, बट जितनी भी हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ न्यू बॉर्न। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा टाइम ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे स्पेंड करती हूँ रिदा के साथ। घर पे बहुत दिनों के बाद जो है मैं शूट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। तो रिदा जो है वो भी सो रही है और बैकग्राउंड में जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सब कुछ मैसी है। दिन में कितनी भी बार आप सब कुछ क्लियर करो वो वैसे का वैसे ही होना है, थैंक्स टू रिव। और आज जो है मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, 9 बजे उठी हूँ। धीरे धीरे जो है वो रूटीन हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि न्यूबॉर्न के साथ जैसे कि आपको पता है कि उनको डे और नाइट की समझ नहीं होती है, तो ऑफ कोर्स रात में जो है वो लोग जगते हैं तो हमें भी जगना पड़ता है। तो धीरे धीरे जो है वो रूटीन सेट हो रहा है। तो अभी जो है मैं उसको दिन में ज़्यादा बातें करती हूँ, सनलाइट ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ, आवाज़ जितनी भी हो ठीक है। तो बस वही रूटीन सेट करने की अभी जो है प्रैक्टिस हो रही है। और अभी जो है पूरा दिन कहाँ पे चला जाता है पता ही नहीं चलता, और मैं जो है काफ़ी फिट महसूस कर रही हूँ। बचाओ बचाओ। और ये जो है पूरा दिन उसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कोई है या नहीं है, वो खुद में ही मस्त रहता है। एंड तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मैं रिदा के पास होती हूँ मुझे रिव की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से खेलता है, बस उसको जो भी चाहिए वो बस मांग लेता है, तो दैट इज़ गुड फॉर मी। Hello guys.
और यहाँ पे जो है रिदा क्या मेडिसिन टाइम है, तो यहाँ पे जो है हम उसको जो विटामिन्स होते हैं वो मैं उसको दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है न्यू बॉर्न के लिए विटामिन्स देना। और जो है पूरा दिन आई गेस कुछ बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं वो कभी कभी पॉटी नहीं करते हैं, शायद वीक में एक बार करते हैं, और कुछ जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो दिन में 7 से 8 बार या कभी कभी 10 बार भी करते हैं। तो रीदा का जो है अभी वही स्टेज है कि वो दिन में जो है एटलीस्ट 7 से 8 टाइम और वो उसका पॉटी टाइम होता है। तो बस वही रूटीन होता है, दवाई देना, फीड, पॉटी, स्लीप, बस यही साइकिल चलता रहता है पूरे दिन। रिदा का 11th या 12th डे है, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट उसकी जो अम्बिकल कोड होती है वो निकल गई है। आई गेस 3 दिन पहले ही शायद निकल गई थी, तो उसको हम लोगों ने अच्छे से रैप करके संभाल के रखा था। रेव का भी हमारे पास है, तो जब भी ये निकलती है उसको स्टोर करके अच्छे से रखे। और जनरली जो है ये 1 वीक से लेके 3 वीक के बीच में 15 दिन भी लग जाते हैं किसी किसी को, तो वो निकलती है। थैंकफुली रियू और रिदा दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम के बिना इजीली जो है वो निकल गई थी। रियू को आई गेस उसकी जो 6ठी थी उसी के दिन निकल गई थी, रिदा को आई गेस उसके 2 दिन बाद 8 या 9वें दिन में ही निकल गई थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो निकल गई। और ऑल्सो उसको जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक के अंदर थोड़ी सी हमें लग रहा था कि जॉन्डिस की जो है इफ़ेक्ट है, क्योंकि उसकी जो आँखें थी वो थोड़ी सी हमें हल्की हल्की सी येलोइश लग रही थी। बट गॉड्स ग्रेस, हमने डॉक्टर को विज़िट किया तो उन्होंने भी यही बोला कि है हल्की सी, बट इतनी भी नहीं है कि यू नो टेस्ट वगैरह कुछ करवाना पड़े, वो अपने आप जो है वो रिकवर हो जाएगी। और वैसे भी अभी जो है वो सनलाइट, बारिश की वजह से धूप नहीं आ रही है तो उसको इतनी धूप मिल नहीं रही है, बट हम जब भी हल्की सी धूप निकलती है उसको सनलाइट देने की ट्राई करते हैं, और उसी की वजह से, और ऑफकोर्स घर में भी अगर लाइट्स है स्पेशली येलो लाइट तो उसके नीचे अगर आप रखते हैं तो जल्दी से जल्दी वो कवर हो जाती है, और 2-3 दिन के अंदर तो उसकी जो आंखें है वो वाइट हो गई थी। तो अब वो भी नहीं है, हमें हम रिलैक्स है कि जॉन्डिस नहीं है इन इस। और यहाँ पे जो है मेरी मेडिसिन का रात को टाइम हो गया है, तो ये जो मेडिसिन है वो आफ्टर सी सेक्शन की है, और कुछ जो है वो मल्टी विटामिन है, और रियू जो है हेल्प कर रहा है मुझे मेडिसिन लेने में, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये शाम का वक्त है और यहाँ पे बालकनी में बारिश हो रही है, और रिदा के साथ जो है इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बस इस व्लॉग को ये पेन करती हूँ।